नमस्कार, मैं सुमित कुमार झा और आप देख रहे हैं बदलता बिहार न्यूज, परिवर्तन से प्रगति तक। बीजेपी के नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पहुंचे दरभंगा के अतिथि गृह में। सबसे कम उम्र के युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया और पार्टी के कार्यों को सराहा। उन्होंने यह कहा कि वह जिस पार्टी में है उसमें सभी उम्र के लोगों को जगह मिलती है, किसी वंश के लोगों को केवल जगह नहीं मिलती। उनका इशारा कांग्रेस की ओर था, जहां उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में सिर्फ वंशवाद के कारण ही ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी आज सबसे नीचे पायदान पर खड़ी है। बीजेपी में हर एक वर्ग, हर एक तबके के कार्यकर्ताओं से लेकर बूथ अध्यक्ष तक को पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाता है और उन्हें जिम्मेदारियाँ भी दी जाती है समय आने पर। इसी क्रम में जब उनसे हमारे कुछ प्रश्नकाल हुए तो उन्होंने उस प्रश्नकाल में क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं और जानते हैं इस विषय को। सीटें हैं, सीमांचल से लगी सीटें हैं, उस पे बिहार के जो दल हैं वो काफी एक्टिव हैं और राजनीति कर रहे हैं, वैसी की पार्टी भी वहां है और आप लोगों के लिए वो बिहार विधानसभा में भी वो सीटें चुनौती रही हैं, तो क्या लगता है किस रणनीति के तहत आप लोग जा रहे हैं बंगाल चुनाव में और इस इलाके को लेकर जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में जिस प्रकार का कुशासन, भ्रष्टाचार हम लोगों ने बंगाल में देखा है, आप कोई भी सामाजिक आर्थिक आंकड़ा उठा के देख सकते हैं। बात इतनी वहां पे इस हद तक आ चुकी है कि आपने स्कूल का डेटा, हेल्थ का डेटा केंद्र सरकार से साझा तक नहीं किया है। पिछले 4 वर्षों में आपने वहां पे जो भी गतिविधियां हुई हैं उसके आंकड़े तक साझा नहीं किया है। 2 वर्षों से आप क्राइम का आंकड़ा नहीं शेयर कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो, जो कि पूरे देश में हर प्रांत में क्राइम का एक डेटाबेस मेंटेन करता है, ममता दीदी की सरकार ने वो किया ही नहीं है। मानव तस्करी, कल देखा हम लोगों ने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के बंगाल देश में सर्वोच्च है, सर्वप्रथम है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के और कल आदरणीय गृहमंत्री जी ने सोनार बांग्ला का जो एक दृष्टि पत्र, एक संकल्प पत्र पूरे देश के सामने रखा है और जैसा हमने अभी भी कहा, हमारे लिए घोषणा पत्र महज नारे का विषय नहीं है, हम सब प्रतिबद्ध हैं एक एक चीज को लागू करने के लिए। वो चाहे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मामला हो बंगाल में, वो चाहे हर परिवार में से एक सदस्य को रोजगार देने का मामला हो, वो चाहे ईश्वर चंद विद्यासागर का बंगाल, रविन्द्रनाथ ठाकुर का बंगाल, उसको पुनर्स्थापित करने की हमारी मंशा हो, हमने रखा है। बंगाल की जनता ममता दीदी के कुनीतियों से अब खफा हो गई और उन्होंने ठान लिया है कि ममता दीदी को इस बार विपक्ष में बैठाना है। जिस प्रकार का भारी जन समर्थन हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को वहां मिल रहा है, हमने देखा है हमारे 150 से आसपास के कार्यकर्ता शहीद हो गए और ना ही कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट, ना ही कोई न्यायिक प्रक्रिया, किसी चीज की शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन लोग सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में उन परिवार को न्याय मिले, वो महिलाएं जो विधवा हो गई हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनको न्याय कैसे मिले, हम सब उसकी चिंता करेंगे। जहां तक ओवैसी की बात है, देखिए हमें पता है कि वो तुष्टीकरण के नाम पे आते हैं, तुष्टीकरण के नाम की राजनीति करते हैं और हम लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि भैया बी टीम है और सी टीम है। मुझे लगता है कि पृथ्वी में कुछ भी संभव है लेकिन सृष्टि में यह संभव नहीं है कि भाई वो धर्म विशेष की बात करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। और आज भी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, जिस प्रकार कश्मीर में अभी स्थानीय चुनाव हुए, कश्मीर में हम लोगों को अच्छी खासी जीत मिली है, आशीर्वाद मिला है, वहां कितने हिंदू ने हमें वोट दिया है, तो बात ये नहीं, भेद वैमनस्य इससे ऊपर उठ करके जो सबकी बात करेगा, जो सबके हितों की बात करेगा, जो सबकी चिंता करेगा, हमें उनके आशीर्वाद से मतलब है और आने वाले बंगाल के चुनाव में हम सब आश्वस्त और आशान्वित हैं कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस इलाके में तेजस्वी यादव भी ताल ठोक रहे हैं, बिहार से जो आपका लगा हुआ इलाका है, और हमने यही कहा था कि आपके लिए भी वो सीटें चुनौती रही हैं, तो आप ओवैसी की बात क्लियर कर चुके हैं कि वो तुष्टीकरण के नाम पे आते हैं, लेकिन कैसे आप अपने पाले में लाएंगे वहां के लोगों को, सीटों को कैसे लाएंगे बंगाल की अगर नजर से हम बात करें तो? देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो मटुआ समाज, राजवंशी समाज, महिष्य समाज, इनकी बातें कौन करता था? इनकी कुलदेवी है वहां की बोरो माई, मरी माई, इनकी बातें कौन करता था? जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, अभी बांकुरा में गए थे, उन्होंने बोला है, अपना विजन उन्होंने वहां लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, तेजस्वी जी फैक्टर नहीं है,
देखिए बिहार निपुण से उनका पूर्वा संभल नहीं रहा। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ बिहार की जनता ने और भारत की जनता ने कमोबेश ये मन बना लिया है कि आप यहाँ के लोगों को, जनता को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ जाएगा। अब आखिरकार सीमांचल के क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक समाज के हमारे भाई थे, उन्होंने दिखाया कि हम किसी पार्टी के बंधुआ नहीं है। हमको आप बंधुआ समझने की गलती मत करो। हम बॉन्डेड लेबर के अग्रीमेंट में नहीं है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन आएगा, हमारे पास तीसरा विकल्प आएगा तो हम सब जाने को तैयार है। जो सशक्तिकरण की बात करेगा, सशक्तिकरण सबका, तुष्टिकरण किसी का नहीं।